नमस्कार साथियों, मैं सुनाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपके लिए डेली हिंदी की MCQ सीरीज लेके आते हैं। इसमें आने वाली परीक्षाओं के लिए UPP और लेखपाल के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिससे आप सभी अपनी परीक्षाओं की अच्छे से अच्छी तैयारी कर पाएं और प्रैक्टिस कर पाएं, जिससे आने वाली परीक्षा में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो और हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की MCQ सीरीज को। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं क्लासेस की जानकारी के लिए। आप हमें इंस्टाग्राम से पे फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। सिलेक्शन मेंटर के नाम से आप हमें यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, जिससे हमारे आने वाले सभी क्लासेस आपको मिल पाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो हम कारक पढ़ेंगे। पिछले वीडियोस में हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वर्णमाला, कई सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। तो जिसने भी पिछले वीडियोस नहीं देखे वो वीडियोस को चेक करिए और प्रैक्टिस कंटिन्यू करिए। परीक्षा के लिए पढ़ने के साथ साथ जरूरी है कि हम लगातार अपनी प्रैक्टिस करते रहें, जिससे नए नए क्वेश्चन हमें मिलते रहें और परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं इनकी जानकारी हो सके। तो आशा है आप सभी समझ पा रहे होंगे और बहुत अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे, जिसमें आज का जो टॉपिक है हम कारक का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे कि क्या होते हैं कारक, कितने होते हैं, कितने भेद होते हैं कारक के और किस तरह से कारक से प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे परीक्षाओं में। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की सीरीज को, जिसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा है कि कारक चिन्ह कितने होते हैं, कारक चिन्ह कितने होते हैं। ऑप्शन दिए हैं 1, 5, 8 या 7, कितने होते हैं कारक चिन्ह। जल्दी से बताइए कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन सही होगा, कारक चिन्ह कितने होते हैं, कारक चिन्ह कितने होते हैं। जिसने भी पिछले वीडियो नहीं देखे वो वीडियोस को चेक करिए और प्रैक्टिस कंटिन्यू करिए। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताया पूछा है कि कारक चिन्ह किसे कहते हैं, क्या होते हैं, जिसे हम कारक के नाम से जानते हैं। जल्दी से बताइए कि कारक चिन्ह किसे कहते हैं और ये कितने होते हैं, 1, 5, 8 या 7, 1, 5, 8 या 7। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध, क्या जानते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध दूसरे शब्द के साथ जाना जाता है, साथ जाना जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। अब हम कारक की सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि कारक किसे कहते हैं और ये कितने होते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध प्रतीत हो, मतलब वाक्य का संबंध दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता हो, ऐसे ही शब्द क्या कहलाते हैं, कारक चिन्ह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। कारक संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप होते हैं जिसका सीधा संबंध किससे होता है, क्रिया से संबंध होता है। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कारक का सीधा संबंध किससे होता है, तो कारक का सीधा संबंध क्रिया से ही होता है। किसी कार्य को करने वाला कारक, यानी जो भी क्रिया को कार्य करने में मुख्य भूमिका निभाता है, वही क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। क्या कहलाता है, कारक। और कारक चिन्ह कितने होते हैं, 8 कारक चिन्ह होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है कि जो कारक चिन्ह होते हैं वो कितने होते हैं, 8 कारक चिन्ह होते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि गंगा हिमालय से निकलती है, निम्नलिखित में कौन सा कारक चिन्ह होगा। ऑप्शन दिए हैं संबंध कारक, अपादान कारक, कर्ता कारक या फिर करण कारक। जल्दी से बताइए कि इस वाक्य में कौन सा कारक चिन्ह होगा। तो कारक चिन्ह, जैसा कि हम सभी एकेडमिक की हिंदी में पढ़ते हैं कि कुछ इस तरह से लिखाए जाते हैं, कर्ता, एक बार हम सभी कारक को डिस्कस कर लेते हैं जिससे कंफ्यूजन नहीं हो आप सभी को। कर्म को करण
करण करण का चिन्ह होता है। से या के द्वारा, से या के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, संप्रदान का जो चिन्ह होता है वो होता है के लिए, संप्रदान के लिए, अपादान से, अपादान से, अपादान का चिन्ह होता है से, अपादान से संबंध, संबंध का की के रारी रे नानी ने, संबंध में कुछ भी ये सारे ही शब्द आ जाते हैं जिसमें का की के रा री ने नानी ने सारे शब्द आते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के अधिकरण में पर, अधिकरण अधिकरण में पर में या पर, और संबोधन 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 हे ओ या अरे, संबोधन में बुलाते हैं, संबोधन का जो चिन्ह होता है हे ओ या फिर अरे, हे ओ अरे। आशा है आप सभी को ये कार्य सारे कारक समझ में आए होंगे। एक बार फिर से इनको रीड कर लेते हैं। इन सभी कारक मैंने एक साथ इसलिए करा दी हैं ताकि आने वाले प्रश्नों में दिक्कत नहीं हो। तो इसमें कारक पूछा जाएगा आपसे कि जो कर्ता कारक होता है उसका चिन्ह क्या होता है। तो कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है, कर्म कारक का चिन्ह को होता है, करण कारक का चिन्ह से या के द्वारा होता है, संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए, अपादान का चिन्ह होता है से, संबंध का चिन्ह होता है का की के रा री रे नानी ने, ये सारे होते हैं, अधिकरण का चिन्ह होता है में या पर, और संबोधन का चिन्ह होता है हे ओ या अरे। एक बार फिर से इन सभी को कैसे याद करते हैं देख लेते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन हे ओ अरे। आशा है आप सभी समझ पाए होंगे। इसमें आपने हमसे पूछा है कि गंगा हिमालय से निकलती है, तो जो गंगा है वो हिमालय से अलग हो रही है, निकल रही है मतलब अलग हो रही है, क्या हो रही है, अलग हो रही है। तो ऐसे शब्द जहाँ पे हमें अलग होने होना प्रतीत हो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह से कोई भी चीज निकल रही हो, तो ऐसी जगह पे अलग होने में गंगा से। और यहाँ पे हमें समझ में भी आ रहा है कि अगर हमें कारक चिन्ह याद है तो जो से है वो कहाँ किसका चिन्ह होता है, से जो है वो अपादान का चिन्ह होता है। अब से जो है वो करण में भी होता है, इसलिए मैंने बोला कि कहीं पर भी अगर अलगाव का भेद होता है, क्या होता है, अलगाव का पता चलता है, तो यहां पर अपादान होता है, यहां पर आप करण कारक मार्क नहीं करेंगे। तो आशा है समझ पा रहे होंगे आप सभी। तो गंगा हिमालय से अलग हो रही है, इसलिए कहीं पर भी अलग होना होता है तो अलग के लिए अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। एक बार फिर से कर्ता कारक को रिवाइज कर लेते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन ही को अरे। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि राम ने लक्ष्मण को किताब दी, दिए गए वाक्य में कौन सा कारक चिन्ह होगा, कर्म कारक, कर्ता कारक, करण कारक या फिर अपादान कारक। जल्दी से बताइए कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा। तो ऐसे वाक्य जहां पर भी हमें दो दो कारक चिन्ह दिखाई दे रहे हों, जहां पर भी हमें दो कारक चिन्ह दिखाई दे रहे हों, तो हम हमेशा बाद वाले को मानते हैं। किसको मानते हैं, बाद वाले को मानते हैं। अब इसने पूछा है कि जो को है उसमें कौन सा कारक होगा, और पिछले हमने देखा पिछले प्रश्न में कि कर्ता का जो चिन्ह होता है वो होता है ने, लेकिन जो कर्म कारक का चिन्ह होता है, कर्ता ने कर्म को, तो जो कर्म कारक का चिन्ह होता है वो होता है को। और यहाँ पर हमें चिन्ह दिया कौन सा शब्द, क्या था, को। तो जो को है वो किस कारक का चिन्ह है, कर्म कारक का चिन्ह है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जो को है वो कर्म कारक का चिन्ह होगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमको दिया है कि मोहन का घर अच्छा है, वाक्य में कारक बताइए, मोहन का घर अच्छा है, इस वाक्य में कौन सा कारक चिन्ह होगा, कर्म कारक, कर्ता कारक, संप्रदान कारक या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर फोर का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्वेश्चन नंबर फोर का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, मोहन का घर अच्छा है।
जो का है, का वो कौन से कारक का चिन्ह होता है ये बताना है आपको। जैसा कि हमने देखा कि जो संबंध कारक होता है, क्या होता है? संबंध कारक होता है, इसका ही चिन्ह क्या होता है? का होता है। क्या होता है? का होता है। संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है? का होता है। एक बार फिर से कारण देते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के, तो काकी की जगह का हो, की हो, के हो, नी हो, ने हो, ये सारे ही शब्द किस में आते हैं? संबंध कारक में आते हैं। संबंध कारक का हमें यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो का है वो तो किसका उदाहरण है? संबंध कारक का चिन्ह है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हम सबको दिया है कि सेठ ने पंडित जी को वस्त्र दिए। सेठ ने पंडित जी को वस्त्र दिए, निम्नलिखित वाक्य में कारक कौन सा होगा? संबंध कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक या फिर करण कारक? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और लगातार पढ़ाई करिए जिससे आने वाली परीक्षा में दिक्कत ना हो। सभी विषयों की प्रैक्टिस के लिए हम आपके लिए एमसीक्यूज लेके आते हैं। सभी विषयों के एमसीक्यू सीरीज सॉल्व करिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए जिससे आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके लिए लाए जा सके। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ पर ये वाक्य जो लिखा है, सेठ ने पंडित जी को वस्त्र दिए, या फिर हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि सेठ ने पंडित जी के लिए वस्त्र दिए। पंडित जी के लिए वस्त्र दिए, दोनों का सेंस तो एक ही निकलेगा, दोनों का मतलब तो एक ही है। लेकिन अब इसमें ये बताना है कि जो को है या के लिए वो किस कारक का चिन्ह होगा। जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही होगा कि संप्रदान, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, ठीक है, संप्रदान के लिए पंडित जी के लिए वस्त्र दिए, तो संप्रदान कारक यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्योंकि अब यहाँ पर कर्म कारक भी हो सकता था, लेकिन ऑप्शन में आपको कहीं पर भी कर्म कारक नहीं दिया गया है। तो ऐसी जगह जहां पर आपको कर्म कारक ना दिया गया हो, तो आप जो को का अर्थ है वही के लिए का भी अर्थ होता है। इसलिए कहीं यहाँ पर क्या होगा? संप्रदान कारक होगा। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि जो कारक चिन्ह होते हैं वो लिखे हुए हमें सामने सामने मिलते हैं जब हमारा पेपर बहुत आसान आता है। लेकिन कभी कभी और ऐसा होता है कि कारक चिन्ह जो है उनका लोप होता है, मतलब वाक्य में किसी भी प्रकार का कोई कारक चिन्ह नहीं होगा। आपको पहचानना होगा, क्या करना होगा? पहचानना होगा कि यहाँ पर कौन सा कारक चिन्ह लुप्त है, कौन सा कारक चिन्ह गायब है, और अपने आप हमें कारक चिन्ह फाइंड आउट करना होगा और उसके बाद उसका आंसर बताना होगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा। अब यहाँ पर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया है कि जो कर्म कारक है, कर्म कारक में हम लोग कौन सा चिन्ह, कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? जल्दी से बताइए, ने, के लिए, को या से, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ने जो है वो कर्ता कारक का चिन्ह होता है, ने कर्ता कारक का चिन्ह होता है। लेकिन जो कर्म कारक का चिन्ह यहाँ पे हमसे पूछा है, तो कर्म कारक का क्या चिन्ह होता है? को। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कर्ता ने कर्म को, तो ऑप्शन नंबर सी कर्म कारक का चिन्ह को होता है। क्या होता है? को होता है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि मैं काम से जा रहा हूँ, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा कारक चिन्ह होगा, कौन सा कारक चिन्ह होगा? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। संप्रदान कारक, संबंध कारक, अपादान कारक या फिर अधिकरण कारक? अधिकरण कारक। अब यहाँ पर जो से दिया गया है, क्या दिया गया है? से दिया गया है। अब करण से के द्वारा होता है, करण कारक जो होता है उसका चिन्ह होता है या तो वहां पर से होगा या फिर के द्वारा होगा। क्या होगा? के द्वारा। लेकिन करण जो है वो हमारा ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है, इसलिए हमें बताना है कि काम से जा रहा हूँ, मतलब से जो है और किस कारक चिन्ह में से का चिन्ह आता है। जल्दी से बताइए।
तो से जो है वो अपादान में आता है, अपादान में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मैं काम से जा रहा हूँ इस वाक्य में अपादान कारक होगा। अगर करण कारक ऑप्शन में दिया गया होता तो फिर हम करण को ही मार्क करते। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको ऑप्शन से ही मार्क करने होंगे, ऑप्शन से पहचान के कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि के लिए किस कारक का चिन्ह होता है, के लिए। और ऐसे ही प्रश्न बिल्कुल परीक्षा में आपके ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें कहीं कहीं पर डायरेक्ट साइन पूछ जाता है, चिन्ह बताइए किसका कौन सा चिन्ह है, ये बताना होता है। तो के लिए किस कारक का चिन्ह होता है, अधिकरण कारक, कर्ता कारक, संबंध कारक या फिर संप्रदान कारक। जल्दी से बताइए कि जो के लिए है वो किस कारक का चिन्ह है। तो जो संप्रदान कारक है क्या है, संप्रदान कारक का ही चिन्ह क्या होता है, के लिए, के लिए। अधिकरण कारक का क्या होता है, में या पर। अधिकरण का चिन्ह होता है में या पर। कर्ता कारक, कर्ता ने, क्या होता है, ने चिन्ह होता है। संबंध क्या होता है, काकी के, संबंध काकी के, रानी रे नानी ने, इन सभी शब्दों से संबंध बताया जाता है। तो जो के लिए है वो संप्रदान कारक का चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि लड़का पेड़ से गिरा, लड़का पेड़ से गिरा, उपयुक्त वाक्य में कारक बताइए, उपयुक्त वाक्य में कारक बताइए। करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लड़का जो है वो पेड़ से क्या हो रहा है, गिर रहा है, क्या हो रहा है, गिर रहा है और पेड़ से अलग हो रहा है, क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। और अलग होने के लिए हम हमेशा एक ही कारक का यूज करते हैं, किसका, अलग होने के लिए। बताइए अलग होने के लिए कौन से कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो अलग होने के लिए हमेशा अपादान का प्रयोग किया जाता है, इसका अपादान का, क्योंकि लड़का जो है वो पेड़ से अलग हो रहा है, ठीक है, गिर रहा है, अलग हो रहा है। वो लड़का हो या फिर फल हो या फिर पत्ते हो, ये सभी अलग होने का बोध करा रहे हैं, इसलिए क्या होगा, अपादान कारक होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, रेखा रेखांकित शब्द में कारक का कौन सा भेद है। और जो रेखांकित शब्द है वो पर को रेखांकित किया गया है, कि ये जो पर है वो पर में कौन सा कारक चिन्ह है, पर कौन सा कारक चिन्ह का उदाहरण का भेद है। संबोधन कारक, संबंध कारक, कर्ता कारक, अधिकरण कारक। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम सभी जानते हैं कि संबोधन में क्या होता है, हे राम, हे भगवान, ये सभी शब्द ओ, ये सभी किसमें आते हैं, संबोधन में आते हैं, क्योंकि हम संबोधित कर रहे होते हैं, किस, क्या कर रहे होते हैं, संबोधित कर रहे होते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, ने होता है, क्या होता है, संबंध कारक का होता है का की या फिर के, का की के। लेकिन जो अधिकरण है, अधिकरण का चिन्ह होता है में या फिर पर, में या पर। तो कहीं पर भी हमें में या पर दिखता है तो ये किसके चिन्ह होते हैं, अधिकरण कारक के चिन्ह होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि किस शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, किस शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, सत्ताधीश, वाहनारूढ़, रेखा चित्र, गंगा जल। सत्ताधीश, वाहनारूढ़, रेखा चित्र, गंगा जल, किस शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। जल्दी से बताइए। और अधिकरण कारक का चिन्ह हमने अभी डिस्कस किया कि अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है, में होना चाहिए या फिर पर होना चाहिए, में या पर, में या पर। इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें में या पर का भेद हो रहा है।
तो आप सभी समझ पा रहे होंगे कि गंगा का जल रेखा का चित्र सत्ता कधीज लेकिन वाहनारूढ़, वाहन पर आरूढ़ क्या होता है, वाहन पर चढ़े हुए, वाहन पर आरूढ़ क्या होता है, वाहन पर आरूढ़ या वाहन में आरूढ़। तो ये शब्द कैसा है, अधिकरण कारक का बोध करा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। आशा है आप सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर पा रहे होंगे और प्रैक्टिस कर पा रहे होंगे। अगले प्रश्न पे हमसे पूछा है कि वह अगले साल आएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इस वाक्य में ये जो वाक्य दिया है इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कारक चिन्ह नहीं दिया गया है, कोई भी कारक चिन्ह नहीं है। अब हमें कारक चिन्ह भी अपने आप ढूंढना होगा और बताना होगा कि वो कौन सा कारक चिन्ह है। वह अगले साल आएगा दिए गए वाक्य में कौन सा कारक है, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक या इनमें से कोई भी। जल्द से बताइए कि वह अगले साल आएगा इसमें कौन सा कारक चिन्ह होगा, कौन सा कारक चिन्ह होगा, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक, इनमें से कोई नहीं। तो आप इस वाक्य की जगह क्या हम ये भी तो लिख सकते हैं कि वह अगले साल पर आएगा, वह अगले साल पर आएगा। तो इसमें कौन सा कारक हो रहा है, पर कारक दिख रहा है, और पर जो है वो किसका भेद होता है, अधिकरण कारक का भेद होता है, अधिकरण कारक का चिन्ह होता है, पर जो है वो अधिकरण कारक का चिन्ह होता है। तो अगले साल पर आएगा, अब अगले साल की जगह सोमवार आएगा, त्योहार पर आएगा, इन सभी में किसका होता है, अधिकरण कारक का ही बोध होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है कि अधिकरण कारक में पर जो है वो अधिकरण कारक का ही चिन्ह होगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि सीमा कुत्ते से डरती है। इस वाक्य में से जो है वो कौन सा कारक है, अपादान कारक, करण कारक, संबोधन कारक या फिर कर्म कारक। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सीमा जो है वो कुत्ते से डर रही है, इसका मतलब कि वो कुत्ते से क्या होगी, दूर जाएगी। क्या होगी, दूर जाएगी। जब भी हम किसी से डरते हैं तो उससे क्या होते हैं, दूर जाते हैं, और दूर जाने के लिए एक ही कारक का प्रयोग किया जाता है। कौन से कारक का, जल्दी से बताइए, अपादान कारक। कौन सा, अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है क्योंकि सीमा कुत्ते से डरती है और से जो है वो डरने के कारण उससे क्या होगी, दूर जाएगी। दूर जाने का कहीं पर भी अंदेशा होता है तो वहां पर अपादान कारक को प्रयोग किया जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि रमा विद्यालय से घर जाती है, कारक बताइए, अपादान कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक या फिर संबंध कारक। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो रमा जो है कौन है, रमा है वो विद्यालय से घर जा रही है, इसका मतलब विद्यालय से अलग हो रही है। क्या हो रही है, अलग हो रही है, और अलग होने के लिए अपादान कारक का ही प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, अपादान का प्रयोग किया जाता है। विद्यालय से घर जाना हो या घर से विद्यालय जाना हो, घर से पार्क जाना हो, इन सभी में किसका प्रयोग किया जाता है, अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न से पूछा है कि रमा की गाय चरती है। इस वाक्य में की शब्द में कारक बताइए, मतलब जो की है वो कौन से कारक का कौन सा चिन्ह है, कौन से कारक का चिन्ह है, ये बताना है आपको कि जो की है वो कौन से कारक का चिन्ह है, संबोधन कारक, अपादान कारक, कर्म कारक या फिर कर्ता कारक। जल्दी से बताइए कि जो की है वो कौन से कारक का चिन्ह होगा। तो हम सभी जानते हैं कहीं पर भी हमसे का, की, के ये शब्द पूछे जाएं, इसी की जगह पे रा, री, रे ये शब्द हो, ना, नी,
ये सारे शब्द हो तो ये सभी शब्द क्या दर्शाते हैं? संबंध को दर्शाते हैं। किसको? संबंध को दर्शाते हैं। और संबंध को दर्शाने के लिए यहाँ पर जो की शब्द दिया गया है वो किसका उदाहरण होगा? जल्द से बताइए। तो जो की है वो संबंध संबंध कारक का चिन्ह होगा। यहाँ पर लास्ट में संबंध कारक कर लीजिए कि जो की है वो संबंध कारक का चिन्ह होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो जैसा कि आपने देखा कि पिछले प्रश्न में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जिसमें कारक क्या होते हैं, कितने कारक चिन्ह होते हैं, कौन से कारक का कौन सा चिन्ह होता है, ये सभी प्रश्न हमने डिस्कस किए। एक बार फिर से हम कारक को रिकैप कर लेते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन ये ओ अरे। ये सभी कारक क्या होते हैं? सभी कारक है और सब इन सभी कारक के अलग अलग चिन्ह हैं। ये कारक का फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने कारक क्या होते हैं, कितने होते हैं और थोड़े एग्जाम्पल्स पढ़े। कारक के अगले पार्ट में हम कारक के और भी ज्यादा जरूरी उदाहरण लेकर आएंगे जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे और ये समझ पाएंगे कारक की महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है, किस तरह से परीक्षा में कारक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही एमसीक्यू सीरीज पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर करिए जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों की एमसीक्यूज आपके लिए ला सके। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।